काशी भगवान शिव का अति प्रिय क्षेत्र काशी मंगलवार को बम बम बोल रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाशिवरात्रि के महापर्व को अखिल भारतीय घोष दिवस के रूप में मनाता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी दक्षिण की ओर से स्वरांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 80 घाट पर आयोजित इस कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने नाद के अधिष्ठाता भगवान शिव को घोष के रूप में स्वरांजलि प्रस्तुत की। घोष कार्य विभाग की ओर से 60 की संख्या में पूर्ण गणवेश में उपस्थित स्वयंसेवकों द्वारा विभिन्न वाद्य यंत्रों के द्वारा प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का प्रारंभ बंसी पर धूप भूप रचना का वादन हुआ और इसके बाद क्रमशः साइड ड्रम बिगुल ट्रम्पेट इत्यादि वाद्य द्वारा शिवरंजनी किरण सोनभद्र श्रीराम रचनाओं का वादन हुआ। इस दौरान 80 घाट के वातावरण में देशभक्ति एवं वीर रस घुल गया था। पूरा घाट भारत माता की जय के नारों से गूंज गया था और इस अवसर पर प्रज्ञा प्रवाह पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र संयोजक रामाशीष ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में घोष के उपादेयता और महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अरविंद डॉक्टर सुखदेव अरुण विभाग प्रचारक कृष्णा चंद्र और विपिन स्मित प्रांत एवं विभाग के अनेक अधिकारियों के साथ स्वयंसेवक उपस्थित थे। किस तरह का आज आयोजन हो रहा है और क्या है? ये महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रतिवर्ष हम लोग संघ में घोष होता है, जैसे आर्मी में बैंड है वैसे संघ में घोष है, तो घोष का वादन करते हैं। स्वरांजलि नाम दिया है इसको। ये अखिल भारतीय घोष दिवस भी शिवरात्रि के दिन मनाते हैं। उद्देश्य क्या होता है ऐसे कार्यक्रम करने का? अब एक समर्पण है, भगवान शिव की आराधना है, उसको हम इस तरह में प्रस्तुत करते हैं।